हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट यहां पर थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं, क्योंकि मार्केट का जो हाल है वो काफी नरम गरम है। कह सकते हैं कि मार्केट में अच्छी खासी एक गिरावट आई है। BTC की जो प्राइस थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इस बार आप 71 को तोड़ेगा, 72 से ऊपर जाएगा, बट अगेन वो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीसरी मर्तबा एक हाई लेवल पे जाने के बजाय वो वापस से नीचे की तरफ आ गया है। और कल रात की हम बात करते हैं, अच्छी खासी गिरावट हुई थी, लमसम 64,000 समथिंग के आसपास वापस आके हिट हुआ। और उसके साथ ही जो ऑल्ट कॉइंस थे सभी डबल डिजिट माइनस में चले गए थे। मार्केट में अब क्या हो सकता है? और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हालविंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे महज 6 दिन बचे हुए हैं और जो डेट निकल के आ रही है, प्रिडिक्टेड डेट डिपेंडिंग अपॉन द ब्लॉक्स रिमेनिंग, वो है 20 अप्रैल के आसपास, और अभी है 13 तारीख है, तो लमसम 7 दिन का वक्त बचा है। क्या हो सकता है? और मेक श्योर अपने माइंड को आप सेट कर लो कि भाई ये जो 6 दिन बचे हैं, इस 6 दिन के अंदर मार्केट काफ़ी वॉलाटाइल होने वाला है, मार्केट ऊपर नीचे इस हिसाब से चलेगा। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, सीधा BTC के चार्ट्स पर लेके चलते हैं और उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइंस देखते हैं। और उसके साथ ही एक बहुत ज़बरदस्त एयर ड्रॉप है, हमेशा से कहते आ रहा हूँ एयर ड्रॉप कभी मिस मत करो, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा एयर ड्रॉप जो है वो कब चमक जाए, एंड वी नेवर नो कि जिस एयर ड्रॉप के अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर वो अच्छा खासा एक कैशबैक हमें दे सकेगा। तो उसको हम आगे कवर अप करेंगे। सबसे पहले BTC की यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ BTC के चार्ट पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डे का चार्ट है। और राइट नाउ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगेन जो BTC की जो प्राइस है इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर चल रही है। ओके, हम लोग कह सकते हैं कि 4-5 दिन पहले इस लेवल के आसपास थे, इसने हाई मारा था 72,784 के आसपास। लग रहा था कि इस बार कि ये प्रीवियस जो एक छोटा सा हाई था 73,850 को तोड़ के 74 के आसपास जाएगा, बट अगेन वहाँ से रिटर्न हुआ, ट्रायंगल के अंदर गया, फिर प्राइस इसके अंदर चल रहा है। ट्रायंगल के बॉटम पे इसने एग्जैक्टली हिट किया जो था 64,885 के आसपास। आप यहाँ पे वापस से ग्रीन डॉजी कैंडल बना है, लेट सी कि ये यहाँ पे कंप्लीट होता है ग्रीन की तरह, फिर वापस से नेक्स्ट ग्रीन अगर बनता है तो वापस से ऑफकोर्स हम प्राइस को इस लेवल के आसपास देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इस ट्राइंगल को तोड़ के नीचे आता है तब हमें अच्छी खासी वापसी से गिरावट देखने को मिल सकती है हालविंग से पहले, जो कि नियर अबाउट 52,50 के आसपास। अगर 64,885 से ये नीचे आता है, डेट मीन्स कि यहाँ से आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा, यानी कि यहाँ से शॉर्ट होगा, शॉर्ट का टारगेट होगा ये लेवल 61,727, 62 हमारा टारगेट होगा। ये लेवल टूटता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा नियर अबाउट 59,000 के आसपास होगा। अगर इसको तोड़ता है देन अगेन गो फॉर ए शॉर्ट, आपका टारगेट जो होगा नियर अबाउट 53 से लेके 52 के आसपास। ठीक है, सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और एल्स अगर यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन में बनता है, लॉन्ग करना है और हमें यहाँ पे उठाना है। लॉन्ग अगर आप कर रहे हो फ्यूचर्स के अंदर तो मेक श्योर कि आपकी लेवरेज बहुत कम हो। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा 2x 3x, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर नीचे भी आता है तो भी थोड़ा बहुत हम कुछ दिन नेगेटिव में रहने के बाद भी वापस से प्लस में आ जाएंगे, बिकॉज वी ऑल नो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल देर सवेर ऊपर की तरफ जरूर टूटेगा। ऊपर की तरफ जिस दिन टूटा ये 82,85 ये सब नहीं देखने वाला है। ठीक है, बिकॉज दीज आर द लेवल्स वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, वेरी स्ट्रांग बाइंग जोन है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो बाइंग जोन है मेरे हिसाब से 50,000 के आसपास है। इट्स ऑल अप टू यू, आप मार्केट के हिसाब से देखते समझते आप इसमें एंट्री लेने की कोशिश करें। फ्यूचर्स में अगर आपको डर लग रहा है, आपको देखिए मार्केट जब हिलता है और सडनली इस तरह से क्रैश आते हैं तो ऑफकोर्स फ्यूचर्स के अंदर हम जो भी ट्रेड करते हैं उस पर लॉस हो जाता है, SL हिट हो जाता है, किसी का भी SL नहीं बचेगा। ठीक है, मेरे कल ही 2-3 SL यहाँ पे हिट हुए हैं, बट इट्स जस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, आप प्रॉफिट बुक करते हैं, लॉस भी बुक करते हैं, लेकिन लॉस जो बुक करना है वो एक अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से होना चाहिए। आँख बंद करके लॉस नहीं होना चाहिए कि भाई मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर रहा हूँ 100 और लॉस बुक कर रहा हूँ 1,000, वो गलत चीज़ हो गई। ठीक है, तो खैर ये BTC का एनालिसिस है। और अब मैं आपको अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइंस के अंदर क्या करना चाहिए। देखिए सारा जो पूरा ऑल्ट कॉइंस का जो क्रिप्टो का मैदान है आप देख सकते हैं पूरा लालम लाल निशान के अंदर है। कौन से बढ़िया पिक होने चाहिए? इथेरियम 3,000 के आसपास गया था, और अगर प्राइस वापस से नीचे आता है 2,800 के आसपास 2,700 के आसपास ज़बरदस्त सपोर्ट है, ज़बरदस्त बाइंग है, इथेरियम को उठाना है। BNB आराम से 600 के आसपास चल रहा है, BNB में भी हाथ मारने को नहीं कहूँगा। उसके साथ सोलाना 151 के आसपास चल रहा है, 141 के आसपास सोलाना का अच्छा खासा सपोर्ट है। सोलाना नहीं छोड़ना है, डॉट नहीं छोड़ना है, आर्बिट्रियम नहीं छोड़ना है, जितने भी कॉइन्स हम डिस्कस करते थे उनको प्लीज़ मत छोड़ो।
ठीक है, बिकॉज दीज आर जस्ट एक शॉर्ट टर्म बिफोर द रैली, जो एक मार्केट को हिलाने वाला जो होता है उस हिसाब से ये नीचे आया है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू ग्रैब। ठीक है, अब आई एम श्योर कि 99% लोग बोलेंगे साला ये सब कुछ खत्म हो गया, अभी हमको इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, ये नहीं लेना है, वो नहीं लेना है, बिकॉज वो मार्केट को समझ नहीं पा रहे अच्छे से। ठीक है, कि बाइंग का टाइम कब होता है, जब मार्केट गिरता है, ठीक है, तभी बाय करना है, तभी तो मुनाफा मिलेगा। जब आप 25 पैसे का माल खरीदोगे और वो 1-1.5 रुपये का होगा, तभी जाके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप 1 रुपये का खरीदोगे फिर इंतजार करोगे आप ये 1.5 रुपये होगा, 2 रुपये होगा, तो दैट इज नॉट वेरी पॉसिबल। ठीक है, तो दिस इज द टाइम टू ग्रैब द मार्केट, ग्रैब द बेस्ट कॉइन्स, ग्रैब द बेस्ट मीम कॉइन्स। वो आगे मैं कवर अप करने वाला हूँ इंस्टाग्राम के अंदर, छोटी सी एक रील आएगी 60 सेकंड के अंदर मीम्स का, आपको एक बता दूंगा भाई इसको बाय करना है, लार्ज कैप मिड कैप ये सारी चीज़ों में बता दूंगा। और अब हम सीधा एयर ड्रॉप्स के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहूँगा कि प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे अब मंडे से हम डेली डिक्लेयर करेंगे 3 विनर्स जो फॉलो कर रहे हैं, और हर जो विनर होगा उसको इंडियन रुपीज़ के अंदर 1-1 हज़ार का कैश पूरा मिलता रहेगा, और ये जो अमाउंट है ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं मोगालैंड की, बात करते हैं कि मोगालैंड एग्जैक्टली क्या है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक Web3 गेमिंग है, Web3 गेमिंग का यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इनकी जो टीम है, इनका जो मेन फोकस है इज ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर जो फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, लर्निंग होती है, उसको गेमिंग के साथ क्लब करके यूजर्स तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो दीज आर द जस्ट वाइट पेपर्स, और यहाँ पे आप डाउनलोड ऐप पे जाएंगे तो इनका जो Web3 गेमिंग ऐप जो है आपको गूगल प्ले पे मिल सकता है, उसके साथ ऐप स्टोर पे मिल सकता है, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स को प्ले कर सकते हैं। प्ले जब आप करते हैं तो जो बिगिनर्स हैं और जो भी इंटरमीडिएट भी हैं वो गेम फाइनेंशियल एजुकेशन को लर्न कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सेल हाई क्या होता है, सेल लो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे आप गेम को लर्न करते रहेंगे उसके साथ आपको यहाँ पे अर्निंग मिलेगी, अर्निंग इन द टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले करना है, देन आप लर्न कर सकते हैं, फाइनेंशियल नो हाउ टू अनलॉक योर फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके साथ आप अर्न कर सकते हैं, अर्न फ्रॉम लर्निंग एंड नॉलेज विद NFTs एंड मोगा टोकन। और ये जो मोगा टोकन है इसका बहुत ज़बरदस्त एक एयर ड्रॉप है, जो एयर ड्रॉप लगभग आपको जिता सकता है $10,000 के आसपास। इनकी वेबसाइट को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, और आप इनके ऐप पे जाएंगे वहाँ पे भी आप गेम्स वगैरह को सब कुछ देख सकते हैं, प्लस यहाँ पे प्ले एंड अर्न के जो वीडियोज़ हैं उसको भी आप देख सकते हैं, किस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ओके, कि सारे वीडियोज़ यहाँ पे दिए गए। रोड मैप की बात करते हैं तो Q3 जो था वहाँ पे मोगा जो था सेल उसका हो चुका है, फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड हुआ है, देन लॉन्च अल्फा सीजन्स हो चुका है, एप्पल गूगल स्टोर्स पे हो चुका है। ठीक है, और इनके अच्छी खासी पार्टनरशिप भी है, वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो दीज आर द रोड मैप्स। तो यहाँ पे इनके पार्टनर्स देखो, सभी जो बड़ी बड़ी नामी कंपनीज हैं वो इनके अच्छे खासे यहाँ पे पार्टनर्स बन चुके हैं, और रिसेंटली यहाँ पे इनका गेम का अल्फा वर्जन लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे जो टोकन्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर ड्रॉप्स लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, थीके? उसके साथ इन्होंने MOU साइन किया है विथ LAC चेन लेड बाई LDB लैब्स ऑफ इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको सीधा यहाँ पे लेके चलता हूँ कि भाई एयर ड्रॉप को कैसे क्लेम करना है, तो लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, बट हम सीधा यहाँ पे चलते हैं। मोगालैंड $10,000 मोगा एयर ड्रॉप। ओके, कैसे मिलेगा आपको, डाउनलोड मोगालैंड एंड रजिस्टर यहाँ पे करना है आपको, फॉलो करना है इनको, डेली कनेक्ट करना है, देन डिस्कॉर्ड है, टेलीग्राम है, ठीक है, देन ज्वाइन टेलीग्राम ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा जब वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, सिंपल सी चीज़ें उनको फॉलो कीजिए, डिस्कॉर्ड वगैरह जो भी दिया हुआ है फॉलो कर लीजिए, ताकि आप जो एयर ड्रॉप क्लेम कर सकें, और वी नेवर नो आपको कितना मिले और कितना बड़ा अमाउंट वो आने वाले टाइम के अंदर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम यहाँ पे इनके ट्विटर अकाउंट पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 इन मोगा अप फॉर ग्रैब्स, बी वन ऑफ 100 लक्की विनर्स, कैंपिंग एंड्स ऑन 9th of May, टोकन्स एयर ड्रॉप आफ्टर TGE। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है ट्विटर के ऊपर, तो यहाँ से मैं वापस इसको रिट्वीट कर देता हूँ ताकि हमारी जो कम्युनिटी है उनको मालूम पड़ जाए, और यहाँ पे हम लाइव भी कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके एयर ड्रॉप है उसको क्लेम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ, और इसके बाद
वी ऑल नो कि मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, और हम मौका देखते हैं कि स्पॉट के अंदर किन किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए फॉर ए लॉन्गर परस्पेक्टिव। ठीक है, मेरी एंट्री जा रही है, फ्यूचर्स का जो होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन स्पॉट के अंदर मेन काम होता है। तो मैं वापस से लिस्ट आपके साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और स्पेसिफिकली ऑन इंस्टाग्राम, मेक श्योर आप वहाँ पे मुझे फॉलो करें। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।